डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। आखिरकार में बोर नहीं करवाएंगे तो इस सिस्टम की कौन मिलेगा? हमसे कभी दुश्मना तो है नहीं, आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। गौरव आसन हमें कोई धोखा नहीं दिया थे। ये तो सर जी आप मुझे बोलो बाबा इसमें साइन कर दो, मैं साइन कर दूं। हैं, अब उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे पता नहीं है। जो बाबा पहले चीख चीख कर कह रहे थे कि गौरव वासन ने तो बर्बाद कर दिया, लोगों की मदद से मिले पैसों में हेरा फेरी की, अब वही बाबा कह रहे हैं कि गलती हो गई, गौरव तो ठीक निकला, धोखा तो कोई और दे गया, और इसीलिए अब ये हाल हो गया। फिर से वो आ गए वापस ढाबे पर। गौरव वासन हमें कोई धोखा नहीं दिया थे। ये तो सर जी आप मुझे बोलो बाबा इसमें साइन कर दो, मैं साइन कर दूं। हैं, अब उसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा मुझे पता नहीं है। हैं, बस एक कहानी थी। अब गौरव वासन तुम्हारा भला किया, तुम्हारा बुरा थोड़ी किया, हम उसके साथ क्यों करते ऐसे काम? भाई तू शांत थे, अब प्रेम जैसे वकील साहब थे, ये लोग जो है इन्होंने अपने आप करके कटवा दिए। अब हम जो अपने से लगे हैं और गौरव वासन हमसे कोई शिकायत नहीं है। अब आज भी अगर गौरव वासन यहाँ पर आएंगे तो हमारा सम्मान वही होगा जो पहले। 2020 के लॉकडाउन में बाबा के आंखों से आंसू निकले थे, फफक फफक कर रोए थे, फिर लोगों की मदद से बाबा की किस्मत चमकी, लेकिन फिर से किस्मत ने पलटी मारी और बाबा वही पहुंच गए जहां आंखों से आंसू निकले थे, यानी साल 1988 में शुरू हुए बाबा का ढाबा पर। दिल्ली के मालवीय नगर के इस ढाबे को शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। रातों रात बाबा फेमस हुए थे, हालांकि अपने खाने को लेकर नहीं, अपने बुरे हाल को लेकर। फिर मदद के लिए हाथ बढ़े तो बैंक में पैसे ही पैसे आ गए, लेकिन अब बाबा का ढाबा वाले चचा रेस्टोरेंट को बंद करके फिर से ढाबे पर आ गए। हम बहुत खुश हैं, समझे ना? हम यहाँ खुश हैं, इसलिए खुश हैं कि हम अपनी जगह पर सेम आ गए हैं। जो उड़ान भरना उड़ान हमने भर लिया, अपने घर पे आ गए हैं। अब हमें उड़ान नहीं भरना है, हम यहीं पर आना है। आपकी उड़ान छोटी हो गई, आपको लगता था कि लंबी उड़ान हो सकती थी? हाँ, वही लंबी उड़ान लोग काट दिए। बाबा के आंसुओं पर लोगों ने जी खोल कर मदद की थी। एक यूट्यूबर ने इन सब में बाबा की मदद की, लेकिन बाबा ने उसी शख्स पर पैसे दबाने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब बाबा पछता रहे हैं। कहते हैं कि गलती उस यूट्यूबर गौरव वासन की नहीं थी, वो तो हमारे अपनों की थी जिन्होंने बर्बाद कर दिया। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लाइन बिल्कुल और बिल्कुल बाबा पर फिट बैठ रही है। पहले तो आरोप लगाए गए, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जिसने मदद की उसके साथ इन्होंने क्या क्या कर दिया। बड़े हो हल्ला के साथ रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया था, मैनेजर भी बाबा ने रखा था, लेकिन अब बाबा फिर से पुराने ढाबे पर पहुंच गए, खुद ही खाना बना रहे हैं, खुद ही परोस रहे हैं, खुद ही गल्ले पर बैठ रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि फिर से गौरव वासन आएंगे, फिर से मदद दिलाएंगे, फिर से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब की बार फिर से आरोप नहीं लगाएंगे। लगा कि आपने दिल दुखा दिया गौरव का? अब तो भाई ये आपके सामने बात है कि कहीं कहीं उनका दिल दुखा है। क्यों? हमने जानबूझ के दुखाया नहीं है। अगर अनजाने में दुख गया है तो उसके लिए हमें सजा जो है बरकरार है, हम तैयार बैठे हैं। क्या आपने माना कि आपसे गलती कहीं हो गई? भाई हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई, हमसे चूक यहाँ पर हुआ है कि जहाँ पर हमने ये बोला है कि हमने गौरव वासन बोला तो गौरव वासन अपने आप बैठे, हमें चूक यहाँ पर हुआ है और आज उस चूक के लिए हम शर्मिंदा हैं। तो अब आप हमारे से अपील करेंगे कि गौरव आपके साथ फिर से जुड़े, कैसे हो? हम तो चाहते हैं कि गौरव वासन के साथ जुड़ेंगे, हम उनके साथ वैसे ही मिलेंगे जिस तरह पहले मिले थे, मगर पहली बार तो वहाँ सही। पिछले साल जब लोगों की ओर से बाबा को मदद मिली थी तो बाबा के तेवर भी बदले बदले नजर आए थे, सवाल पूछा नहीं कि भड़क जाते थे, लेकिन अब फिर से दिन बदले, बाबा फिर से ढाबे पर आ गए और अब की बार आरोप कहीं और लगा रहे हैं।